केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं, वहीं बहुत से लोग केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको भी अगर इस साल केदारनाथ धाम जाने का सोचा है तो मत सोचिए, क्योंकि वहां आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए इस वीडियो में, अब आपको लग रहा होगा भक्त कैसे भगवान के दर्शन करने को इतनी दूर आ रहे हैं, उनके दर्शन भी नहीं हो रहे, इतनी सारी समस्या आ रही है, पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही भक्त को। तो आपको बता दें, इसमें कुछ लोग ही ऐसे हैं जो वाकई में भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, बाकी सब सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहने के लिए या फिर रील्स के चक्कर में आ रहे हैं। लोग दर्शन कम, दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। जितने भी भक्त आपको दिखेंगे, उनके हाथों में सिर्फ आपको फ़ोन ही दिखेगा और वो आपको वीडियो बनाते हुए दिखेंगे। इसको देख केदारनाथ मंदिर में भारी लोगों की भीड़ जमा हो रही है। देखिए इस वीडियो को ध्यान से। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक, मंदिर के 50 मीटर के दायरे में रील्स और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध, यमुनोत्री और गंगोत्री रूट पर ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या। अब तक चारों धामों में 3.98 लाख लोग कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा चहल पहल, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। इस साल भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन इस बार की यात्रा में बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिल रही है। यह परेशानी और चुनौती प्रशासन के लिए भी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भारी भीड़ के कारण प्रशासन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है, जो अब 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहले यह रोक 25 मई तक थी, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए इसे और बढ़ाना पड़ा। इसी बीच प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके अनुसार अब श्रद्धालु मंदिर के 50 मीटर के दायरे में रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे। इससे पहले वीडियो शूट पर लगी रोक 200 मीटर के दायरे में थी, जिसे बाद में घटाकर 50 मीटर कर दिया गया। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री के रूट पर लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बरकरार है। गुरुवार को उत्तरकाशी में गंगोत्री के 99 किलोमीटर और बरकोट से यमुनोत्री के 46 किलोमीटर रूट पर करीब 3000 गाड़ियां 12 से 15 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही। सबसे ज़्यादा समस्या यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ के पास बनी हुई है, जहां गाड़ियां 12-12 घंटे रोकी जा रही हैं। इसी बीच केदारनाथ में गुरुवार को 28,000, बद्रीनाथ में 12,231, यमुनोत्री में 10,718 और गंगोत्री में 12,236 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक चार धामों में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, जबकि 28 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियों के पास होने से 2-3 घंटे का समय लग रहा है। इसके चलते प्रशासन ने कई बैरिकेड हटा दिए, जिससे बरकोट, नेताला, गंगोरी, नौगांव, ब्रघाल, राडीटोप, ओछा बैंड, सिगलक क्यारा क्षेत्र में गुरुवार को लंबे जाम नहीं लगे और गाड़ियां 1-2 घंटे में पास हो गई। उत्तरकाशी प्रशासन ने समस्या को देखते हुए खाने के पैकेट और पानी की बोतलें बांटी और 8 अस्थायी शौचालय भी लगवाए। इस साल चार धाम यात्रा मार्ग पर 400 से ज़्यादा डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जिनमें 256 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के लिए कम से कम 7 दिन का प्लान बनाकर आए, ताकि बदलते मौसम में उनके शरीर को ढलने का समय मिल सके। अब एक सवाल यहाँ यह भी आता है कि जब प्रशासन के पास आगे से रजिस्ट्रेशन का पूरा ब्यौरा रहता है, फिर भी प्रशासन इतने सारे लोगों को कैसे अलाउ कर देता है? अब ऐसे में परेशानी का होना संभव है। वहीं जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब आप इतनी दूर से दर्शन करने को आ रहे हैं, तो आप केवल सोशल मीडिया पर ही एक्टिव ना हो, भगवान के श्रद्धापूर्वक दर्शन करें और आपकी यात्रा सफल हो। फिलहाल के लिए बने रहिए जनता दरबार के साथ।